सो जोडी वॉज इन रोजन एंड ही बड़ा म्यूजिक वगैरह भी करता था बड़ी उनकी फिल्म कोई एक थी वो महेश भट्ट की वो हिट भी हुई थी उसमें जोडी का भी थी सो ही वॉज इन रोजन एंड ही वॉज इन दूटी ड्रामेटिक्स क्लब तो सरमद का एक प्ले था तमाशा घर अजय yeah. हाँ तमाशा घर yeah, yeah. और उसमें जोडी ने एक्टिंग की थी बिकॉज जोडी एंड उमर वाइन इसका बेस्ट फ्रेंड था hmm. इनको सरमद ने यू टी ड्रामेटिक्स में कहीं देखा था नी कॉल दीज न्यूज बच्च फॉर एक्टिंग आई वॉज एडिंग ऑन दैट सरमद So then, तो uh, हुई पे हाँ। अभी अखुण, अखुण, नहीं अभी कुछ कुछ फ़ील नहीं था था। नहीं ऐसा कभी भी था अच्छा, okay. वाला तो कभी हुआ ही नहीं ओके okay, हाँ तो मैं so हमारी दोस्ती हुई और बहुत अच्छी दोस्ती एंड देन वी वर्क टुगेदर फिर जल्दा आ गया एंड देन वी वेंट टू वर्क ऊपर मानसेरा वगैरह हम लोग काफी वहां पे रहे सारे आल्सो वेंट जो जितना अपने हिसाब से कर सकता था सो so, हम लोगों ने वहाँ पे काम किया फिर इस्लामाबाद में अलॉट ऑफ चिल्ड्रन वुड मूव टू हॉस्पिटल इस्लामाबाद फेम्स वगैरह तो हम लोग वहाँ पे इकट्ठे काम करे थे यू नो ही वु प्लेज गिटार हम लोग स्टोरीज hmm. करते थे और भी फ्रेंड्स yeah. थे एक्टर्स बच्चों को खुश रखने के लिए बिकॉज hmm. बच्चे इतने ट्रामेटाइज थे दैट हैपन एंड देन इन लाहौर इसी तरह सरमद के प्रोजेक्ट्स के ऊपर सो so इस तरह मिला एंड देन जोडी काइंड ऑफ सैडेड टू सरमद आई लाइक ना so you wow. know एंड देन सरवर ने मुझे बोला मैंने कहा कि अच्छा उस वक्त जोड़ी वाज इन अ बैंड नॉट आपको शौक नहीं लगा कि मुझसे छोटे और मुझसे बोल रहे नहीं नहीं, नहीं, नहीं कुछ ऐसा था आई वाज लाइक ओके बिकॉज़ वी वर सो लाइक गुड फ्रेंड्स और बट अभी तो वो बोल रहे हैं कि आपको पसंद कर रहे हैं हां तो आई वाज आई वाज लाइक ओके मैंने कहा अच्छा ठीक है दैट्स गुड ठीक है लोग करते हैं अच्छा आपने कहा मुझे तो बहुत लोग पसंद करते हैं ये भी एक लाइन में है बट देन आई रियलाइज दैट यू नो ही

तो फिर मैंने इसको बोला मैंने कहा तुमने करना क्या है mm -hmm. तो ही सर आई थिंक आई वॉन्ट टू डू एम बी ए मैंने कहा तो फिर करो सो देन यू नो मैंने कहा यू नीड टू फाइंड यू हैव टू बिकॉज यू लाइफ कैन नॉट बी लाइक यू नो वर्किंग एट द कॉल सेंटर गोइंग फॉर योर बैंड एंड डूइंग योर म्यूजिक ग्रेट बट लाइक वॉट डू इन लाइफ एंड एन सर आई ऑल इज वो एम बी ए बट क्योंकि भाई ने भी इंजीनियरिंग की थी अबू ने भी इंजीनियरिंग की थी तो मैंने भी सो देन एंड ही इज वेरी कमिटेड उसकी जोड़ी की जो बेस्ट बात है ना कि वो

हाँ लेकिन आई एम नॉट इन माय लाइफ की जिंदगी टाइम मेरे पास मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं कर सकती कि अब एक बंदे के बारे में सोचो और साल गुजारो और फिर सोचो कि अब मैंने कहा भाई मेरी जिंदगी का मकसद ये है कि अगर मैंने किसी के साथ रहना है तो मैंने हाँ सीधी सीधी शादी करनी तो तुम्हें समझ में आता तो तुम बता दो और तुम्हें नहीं आता तो आई सो यू प्रपोज टू टू नो आई कि ये दिस दिस इज इज ऑन द प्लेट मैं ये रिलेशनशिप हाँ. हो सोचो प्यार हाँ मोहब्बत साल गुजर के खाना खाने जा रहे हैं मैंने कहा टाइम मैंने वेस्ट करती भाई मेरी जिंदगी में बहुत

एक बड़ी उम्र का मर्द एक छोटी लड़की से शादी कर लेता है वो फिर भी एक्सेप्टेबल होता है लेकिन एक बड़ी औरत एक छोटी उम्र के मर्द से शादी करे ये सोसाइटी उसको थोड़ा सा देखती है तो इसलिए मुझे थोड़ी मुझे, क्यों क्यों देखती है? मैं, मुझे नहीं पता देखो तो मेरे जो मेरे जो इन लॉज हैं देर वेरी रिलीजियस एंड दे वर इन सऊदी अरेबिया वो अब आए हैं कुछ साल पहले पाकिस्तान सो दे लिव्ड ऑल देयर लाइव इन सऊदी अरेबिया एंड

ओपन रिलीजन इज सो वास्ट कि अगर आप पढ़ना शुरू करें तो आपको हर चीज़ का रीज़न मिलता है आपको हर चीज़ की लॉजिक मिलती है और आपको समझ में आती है अच्छा ये इसलिए कहा गया था एंड वन वैन आप कहते हो कि हमारे प्रॉफिट पीस भी अपॉन है Uh, sallam, जब हमें थी ना मुझे समझ में नहीं आता यहाँ जाके हमारी अमिया और जो हमारे घर के बड़े होते हैं उनको क्या मुसीबत पड़ जाती है की नहीं नहीं है नही हो सकता है और आप सारा दिन नमाज भी पढ़ती है और सारा दिन आप बच्चों को कहती है कि माँ बाप की खिदमत करनी है फलाना करना है दीन ने ये सिखाया तो दीन ने यह भी तो सिखाया ना ये बात मुझे हमारी सोसाइटी के हिसाब से अच्छी नहीं है कि लड़की जो है वो बड़ी हो लड़के से तो इसीलिए मैं पूछूं कि आपके जन में कहीं भी ये कंसर्न नहीं आ रहा था आया था हाँ। लेकिन आपके रे वो मैं फिर अपनी पर्सनल बात कर सकती मुझे नहीं पता कि कोई और मेरी जगह होता तो उसको कैसा होता। मैं, हम आपकी एक्सपीरियंस से बात करें ताकि जो लोग सुन रहे हैं शायद उनकी सोच में भी चेंज आए जो डर रहे हैं इसको करते हुए मुझे इसलिए कंसर्न नहीं आया था क्योंकि एक तो मुझे इंसान का पता था कि ये okay. अच्छा इंसान है और मुझे okay. था कि दूसरा मैं क्योंकि बिलीव करती हूँ कि जो होना है वो होना है okay. अगर ये नहीं वर्कआउट करता खुदा ना खास्ता तो वो फिर मेरे लिए वही लिखा था और उसमें भी मेरी कोई बेहतरी होती इट हैज़ वर्क आउट अल्हमद तो उसमें मेरी बेहतरी है हाँ मुझे डर लगा था इस चीज का कि फिर कहीं चार साल में अपनी जिंदगी खर्च करूं तो ये ना और चांसेस वर मोर बिकॉज हमारे जहन के अंदर डाला नॉट बिकॉज कि ऐसा था बट क्योंकि ये हमारे डाला हुआ कि ये चीज़ ऐसे होगी ना तो क्योंकि तुम बड़ी होगी वो छोटा होगा तो उसको कोई और पसंद आ जाएगी yeah. नहीं जो साथ के होते हैं हो, उनको भी कोई और पसंद आ जाता exactly, है।, है उनको भी कोई yeah. बात ये होती है कि अगर आपकी रिलेशनशिप स्ट्रांग है तो फिर आप कहीं और नहीं देखते हो You no, don't have a, same age marriages होती हैं हर जगह हमारे हाँ, भी कितनी हाँ, yeah. आप देखते हो मियाँ बीवी होते हैं कहीं वो hmm. अच्छे उनके रिलेशन लेकिन नजरें घूम रही होती हैं आदमी की भी खातून hmm. की भी मैं कह सकती हूँ लेकिन इट्स जस्ट व्हाट सो मुझे इस चीज से डर और दूसरा दुनिया की तो मैंने कभी जिंदगी में परवाह नहीं की आई ओनली केयर अबाउट पीपल जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है सरमन माई बेस्ट फ्रेंड टू ऑफ माई अदर बेस्ट फ्रेंड्स दे वर फाइन विद इट माई पेरेंट्स फॉर फाइन विद इज हज पेरेंट्स फॉर फाइन विद इट जोडी ने उसको हम जोडी मैंने जो मैं रूल बता रही थी कि पहले दिन हमने रूल सेट किया था आप हमेशा अपनी फैमिली का ख्याल रखोगे और अपनी फैमिली को हैंडल करोगे मैं हमेशा अपनी फैमिली को हैंडल करूँगी हम कभी भी लड़ेंगे नहीं मैं कभी भी आपकी फैमिली के साथ बदतमीजी नहीं करूंगी, आप कभी मेरी फैमिली के साथ बदतमीजी नहीं करूँगा अलहमदिल्ला वी हैव इट लाइक दिस कि कभी हमने एक दूसरे के मामला में जोड़ी अपने पेरेंट्स के लिए क्या करता है उनके लिए क्या करना चाहता है मैं कभी उसके अंदर नहीं बोलती नहीं। वो डेली ऑफिस से वो बहुत थका होता है सुबह छः बजे उठता है ऑफ़िस जाता है छः बजे फारिग होके वहाँ से आता है वो डेली अपने पेरेंट्स के पास जाता है उनके घर खाना खाता है डेली उनके साथ टाइम गुजारता है रात को आठ नौ बजे घर आता है बट दैट इज़ माई डील मैं कभी भी इसमें उसको नहीं कहूँगी कि जोडी आप तो मेरे अबू के पास चले गए थे मुझे तो टाइम ही नहीं दिया नहीं मेरे अबू बीमार थे चार साल उनको कैंसर था मैं चार साल इस्लामाबाद रही हूँ चार चार दिन के लिए घर आती थी जोडी ने मुझे एक लफ्ज़ नहीं बोला दूसरा कोई शौहर होता या जिस तरह के वो तो माँ के घर जाके बैठ गए बाप समझते घर को कौन yeah. देखेगा mm. उसने घर को भी देखा हमारे डॉग्स हैं उसको mm. भी देखा हर चीज़ को देखा एंड ही सपोर्टेड मी आई वॉज विद माई फादर मैंने कहा मेरे बा अबू नहीं होंगे कुछ साल के बाद ये टाइम मैंने अबू के साथ गुजारना है सो आई हैंडल माई सेल्फ ही डिड नॉट से टू मी वाई यू गोइंग